नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर लोकसभा उपचुनाव का नामांकन भरने से पहले सुशील रिंकू ने निकाला रोड शो, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ भरा नामांकन। जंडियारा गुरु में भाजपा एससी मोर्चा के प्रधान को अज्ञात व्यक्ति ने मारी गोली, हालत खतरे से बाहर। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रथम चरण में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 13 अप्रैल को एक दिन नामांकन होने के बाद बीच में 3 छुट्टियां आ गई थी। आज नामांकन का दूसरा दिन है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व कांग्रेस विधायक सुशील रिंकू ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। रिंकू नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए आप लीडरशिप के साथ पहुंचे। सुशील रिंकू वित्त मंत्री हरपाल चीमा, जिन्हें पार्टी ने उपचुनाव के लिए प्रभारी बनाया हुआ है, और अन्य मंत्री और टॉप लीडरशिप के साथ खुले ट्रक में सवार होकर रोड शो निकालते हुए नामांकन दाखिल करवाने के लिए जिलाधीश कार्यालय में पहुंचे। इससे पहले आप की तरफ से कचहरी चौक जालंधर से एक रोड शो निकाला गया, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान विशेष तौर पर पहुंचे और उन्होंने सुशील कुमार रिंकू के साथ जाकर नामांकन भरा। देखो जी, आज असी लोकसभा दे जिमनी चोन दे कागज़ भरे ने सुशील कुमार रिंकू जी, पार्टी के जेडे ऑफिशियल कैंडिडेट ने, साड़ी सारी टीम, साडे मंत्रिमंडल के साथी, MLA साहबान, जलंधर की लोकल टीम, चेयरमैन साहब, अहदार साहबान, और भारी गिणती दे विच जेडे वलंटियर साढ़े उत्थे आए, उही जोश अज फिर देखण नूं मिलिया जो आम तौर पर आम आदमी पार्टी दीआं चोणां दे विच देखण नूं मिलदा है। ते असी अपने वालों पूरे 13 महीनों दियां साडी सरकार दियां प्राप्तियां गिणावांगे। विकास के नाते वोट मंगनी है, असी स्कूलों की गल करनी है, हस्पतालों की गल करनी है, बिजली की गल करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की गल करनी है, किसानों की गल करनी है, व्यापारी की गल करनी है। सो एक 13 महीनों के पंजाब जिहड़ा लीह ते चढ़ गया, विकास की जिहड़ी लीह है उहदे ते गड्डी चढ़ गई है, और हर वर्ग जिहड़ा उन्हें उहदे चेहरे ते खुशी आउणी शुरू हो गई है सिर्फ 13 महीने च। जदके सानू विरसे दे विच बहुत वड्डा एक करजा छड़ के गए सी, असी उह करजा मोड़ना भी शुरू करता ते लोकां नूं सहूलतां भी देणियां शुरू करतीआं। असी नफ़रत की राजनीति नहीं करते, धर्मां जातां की राजनीति नहीं करते, ईमानदार पार्टी है। सो नैशनल पार्टी के तौर पर पहली इलैक्शन लड़ रहे हैं असं, क्योंकि पिछले दिन ही सानू नैशनल पार्टी का दर्जा मिलिया। तो अरविंद केजरीवाल जी की यह मेहनत तो ये सुपनिया की जित है कि एक छोटा जा काफिला चलिया सी रामलीला ग्राउंड चो, अज वह नैशनल पार्टी के रूप के देश के 130 करोड़ लोगों की उम्मीद की किरण बन गया। मान साहब, तुसी केजरीवाल साहब का नाम लिया, कल तुसी दिल्ली दे विच सीगे, ईडी जिस तरह के नाल, CBI जिस तरह के नाल अरविंद केजरीवाल तो 9 घंटे पुछगिछ करती है, कि तुहानू लगता ये प्रैशर पॉलिटिक्स हैगी है पंजाब के उत्ते, भी इस तरह का किसी का प्रैशर आऊगा कि तुसी दिल्ली दे विच तुहाडे लीडर ये कहिंदे कि सानू दबाउण की कोशिश की जा रही है? देखो, नैशनल पार्टी बन गई दिल्ली दे विच, BJP नूं असीं 3 बारी हराता, 2 बारी वोटां च विधानसभा दे च, 1 बारी MCD च। पंजाब दे विच साडी सरकार बन गई, गुजरात दे विच 13% वोटां आ गईआं, 5 MLA बन गए, गोवा च साडे 2 MLA ने। उन्हां नूं इह लगदा है कि शायद इको पार्टी है जिहड़ी सानूं फ्यूचर दे विच टक्कर दे सकदी है, जां फ्यूचर दे विच जिहड़ी साडी नफ़रत दी पॉलिटिक्स नूं हरा सकदी है, वह हैगी आम आदमी पार्टी। इस करके वो टीम तोड़न की कोशिश कर रहे हैं कि जिहड़े हस्पताल बनाए जिन्हें सतिंदर जैन उन्होंने अंदर कर दिओ, जिन्हें स्कूल बनाए मनीष सिसोदिया उन्होंने अंदर कर दिओ, तो हुण कोई ना कोई बहाना बना के CBI दफ्तर च बुला लो, 9 घंटे बिठाई रखो अरविंद केजरीवाल जी नूं, बिठा लैन, असीं तां सच बोलना है। कि इहदे नाल मोराल डिगदा पार्टी का, या भगवंत मान नूं भी प्रैशर फील हुंदा कि तुहानूं भी प्रैशराइज़ करन की कोशिश हो सकती है कल नूं? ओ जी, असीं बोर वाले टोयां चों निकले होए आ, असीं किसी प्रैशर च नहीं आउंदे, साडा तां मोराल इहदे नाल वध है। साडी पार्टी किसी होर पार्टी चो कड्डे जां वड्डे छड्डे लीडर ने नहीं बनाई, असी साडी पार्टी एंटी करप्शन मूवमेंट चो निकली हुई है, असी अपने कैरियर छड्ड के आए हुए हैं, सारे सारे जने नॉन पोलिटिकल बैकग्राउंड चो आए हुए हैं, तो
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗਿੱਦੜ ਭੂਖੀਆਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣਾ ਆਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਇੰਨੀ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਲਿਊਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਰੋਡ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਦਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਦੀ, ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ। ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਗਾ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਲੰਧਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਨ ਸੈਲਾਬ ਜੁੜਿਆ ਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਬਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਨਿਵਾਸੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ SC ਮੋਰਚੇ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਨਕੀ ਪਤਨੀ ਔਰ ਬੇਟੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੋਂ ਸੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਗਤ ਰਾਤਰੀ 9 ਵਜੇ ਇੱਕ ਅਗਿਆਤ ਵਿਅਕਤੀ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕਰ ਉਨਕੇ ਘਰ ਆਇਆ ਔਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਕੀ ਬੇਟੀ ਸੇ ਪੁੱਛਣੇ ਲਗਾ ਕਿ ਉਨਕੀ ਬੇਟੀ ਕਹਾਂ ਹੈ। जिसके बाद उसने अपने पिता से आवाज़ देकर कहा कि उनसे कोई मिलने आया है। उनके पिता के आते ही अज्ञात व्यक्ति ने उन पर गोली चला दी, जो कि बलविंदर गिल के जबड़े में लगी, जिसके बाद उनकी अज्ञात व्यक्ति के साथ हाथापाई भी हुई, पर वह मौके से फरार हो गया। वही घटना की सूचना मिलते ही SSP देहात सतेंद्र सिंह पुलिस पार्टी सहित मौके पर जायजा लेने के लिए पहुंच गए। इस मौके पर DSP इकबाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गत रात्रि भाजपा नेता बलविंदर गिल को अज्ञात व्यक्ति गोली मारकर फरार हो गया। बलविंदर गिल की हालत अब खतरे से बाहर है, पुलिस द्वारा बारीकी से जाँच की जा रही है। ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਵਕਤ ਕਰੀਬ 9 ਵਜੇ ਥਾਣਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਦੇ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। जालंधर में सब डिवीज़न पोस्ट ऑफिस में 20 लाख रुपयों को लेकर पोस्ट ऑफिस अधिकारी ने बिना बताए एक व्यक्ति का खाता बंद कर दिया और रुपए पोस्ट ऑफिस ब्रांच में रख दिए। पीड़ित पुनीत गुप्ता को जब उनके फ़ोन पर मैसेज आया कि उनका खाता बंद हो गया है और 20 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं, तो एकदम से वे हैरान हो गया। गत दिवस छुट्टी होने के कारण आज जब वे सब डिवीज़न पोस्ट ऑफिस मॉडल टाउन ब्रांच में पहुंचे तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उनका खाता बंद हो चुका था और रुपए उनके खाते में से निकाल लिए गए थे। पुनीत गुप्ता ने आरोप लगाया कि उसके भाई विनीत गुप्ता ने उनके नकली साइन कर और दस्तावेज लेकर उनके खाते से रुपये निकालने की साजिश रची है। वहीं जब इस बात को लेकर सब डिवीज़न पोस्ट ऑफिस के अधिकारी और स्टाफ सदस्यों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले एक व्यक्ति उनके पास आया और उसने विनीत गुप्ता बताकर आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स दिए, जिसके बाद उनका 20 लाख रुपयों का चेक रेडी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि खाता बंद करने वाले फॉर्म पर भी पुनीत अरोड़ा के साइन हुए थे, इसलिए खाता बंद कर दिया गया। वही जब उनसे व्यक्ति की पहचान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उसने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, इसलिए वे चेहरा नहीं देख पाए। वहीं जब इस मामले में थाना डिवीज़न नंबर 6 की अधिकारी रविंदर कुमार शर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनके पास शिकायत आई है। शिकायत के आधार पर पुनीत गुप्ता और सब डिवीज़न पोस्ट ऑफिस के अधिकारी व स्टाफ सदस्यों को जाँच के लिए बुलाया जाएगा। जो भी बनती कानूनी कार्रवाई है वह की जाएगी।
जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मैनू मैसेज आंदा वा डाकखाने वालों कि तुहाडे बैंक खाते दे विचों जिहड़ा कि मेरा PPF अकाउंट दे विच 20 लाख रुपया सीगा अकाउंट विचों पेमेंट निकल चुकी है ते तुहाडा खाते दा बैलेंस जीरो हो चुका है। फिर उस तो बाद मैनू रात नूं एक होर मैसेज आंदा है कि तुहाडा खाता बंद कर दिता गया वा। 14 तारीख नूं अंबेडकर जयंती की छुट्टी होने की वजह ने मैं कुछ नहीं पता कर सकिया। अज जदों मैं 15 तारीख नूं इत्थे सवेरे पता करन वास्ते आया तो जो मैं डाकखाने पहुंचा तो उत्थों मैनू जिहड़ी मैं अपने परसनल लैवल ते इनवैसटीगेशन की उत्थों मैनू पता चलिया कि मेरा जिहड़ा सका भरा विनीत गुप्ता वह मेरे वालों बन के इतने आया सीगा। उन्हें मेरे ID प्रूफ लैके आया, मेरा आधार कार्ड, मेरा पैन कार्ड लैके आया। उन्हें दोनों ते मेरे जाली साइन कर ले, वो जाली साइन करके मास्क पा के वो आया होया सीगा। उन्हें इन्हां कोल पेमेंट तैयार करवा ली, पेमेंट तैयार करवा के चैक रेडी करवा लिया। एक उन्हें एप्लीकेशन भी दिती कि मैनू चैक राही पेमेंट की जाए, मेरे को सेविंग अकाउंट नहीं है। फिर उन्हें एक होर फॉर्म इतने साइन किया, मेरा जाली अकाउंट क्लोजर फॉर्म, वो अकाउंट क्लोजर फॉर्म साइन करके उन्हें मेरा अकाउंट भी क्लोज करता। तो उस तो बाद फिर मैं इतने आया है तो डाकखाने मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहे, और सुनवाई तो बाद ना ही मैं मेरी पेमेंट दी जा रही है। मैं बहुत हरासमेंट फील कर रहा वहाँ, मेरा छोटा बच्चा वा 5 महीने का, बेबी मेरे नाल है, मेरी वाइफ मेरे नाल है, साड़ी कोई हेल्प नहीं की। फाइनली मैं हरासमेंट तो शिकार होकर मैं पुलिस कंप्लेन भी हूँ दी है। पुलिस वालों SHO साहब ने मैंने पूरी श्योरिटी दी है कि तुम जल्दी तो जल्दी इंसाफ दवाया जाएगा, तो डाकखाने वालों भी मैंने जल्दी तो जल्दी पेमेंट करवाई जाएगी। पुनीत गुप्ता ना उन्होंने दस अपने ID प्रूफ दिते है, कहते कि पासबुक मेरी आए PPF अकाउंट क्लोज कराना। मैं क्या पैन कार्ड आधार कार्ड ले आओ पासबुक दो। तो उस दिन साड़ी सैकेंड हायर अथॉरिटी आई नहीं हुई इसे सिग्नेटरी सीगा, तो पेमेंट जी है नैक्सट वीक मिलेगी, तुम अपना साइन करके दे दो। 10 तरीक न दे के गए थे साढ़े सर आए, 12-13 तरीक न आए हैं। असं उस दिन फाइनल पेमेंट की, उन्हों का चैक बनाया, उन्होंने नंबर दिता होया। कोइंसिडेंटली असं उन्होंने कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया कि तुम अपना पेमेंट लै जाओ। अज की डेट के सर आए है, यह कह रहे हैं कि मैं पुनीत गुप्ता है ना, तो हूँ कह रहे कि सानू पासबुक दो पेमेंट दो। हूँ तो सानू क्लीयर करना पेगा कि यह दोनों के पुनीत गुप्ता कौन है, क्योंकि असी तो सिस्टम से देखा साइन उन्होंने मैच हो रहे हैं, ठीक है, जिहड़ी ID प्रूफ है दोनों मैच हो रहे हैं, तो असी उन्हों की पेमेंट करती, ठीक है। बट फिलहाल चेक और पासबुक साड़ी कस्टडी दे विच ही है, हुण मामला साड़े DO जाएगा एडमिन ब्रांच दे विच, उत्थों दे क्लीयर करदे आ किनू पेमेंट होएगी ना। साडे नॉर्म्स की आ, असीं ID प्रूफ नाल चेक कर सकदे आ है ना, जदों साइन मैच हो रहे आ। सर मास्क लगा, मास्क लगा, हां जी हां जी, सर नहीं असीं नहीं मास्क दे लई कह सकदे। हां जदों कुड़ियां आंदियां उन्हां नूं चुन्नी लपेटी हुंदी, असीं उन्हां नूं जरूर कह दिंदे आ मैडम प्लीज़ अनकवर करो, है ना। मास्क दे लई तां सर असीं किसी नूं नहीं कहिंदा वी मास्क तुसीं नीचे करके करो, जे मतलब कि जे सर डाउट होवे उन्हां दा साइन नहीं मैच हो रहे, उन्हां दे ID प्रूफ नहीं दे रहे, तां असीं करिए वी। सर सर साइन वेरीफाई किए ने, उन्होंने ID प्रूफ देखे ने सर, जो है प्रोसैस ही उन्होंने आप फॉलो किया, हूँ फर्दर आप मतलब सर साइन साइन मिलाए ने, ID प्रूफ मिलाए ने, ठीक है। अकाउंट क्लोज करता जी सर, मतलब तुसी ओना नु नहीं बुलाया जिन्हां दा अकाउंट सर, वो असी जिहड़े आए सी ओही कस्टमर सी। ए जी पुनीत गुप्ता ने दित्ती है अपने ब्रदर दे खिलाफ दित्ती है भी उन्होंने मेरा साढ़े जाली साइन मार के ते डाक करने विचों पैसे कढाउणे गए। बिल्कुल जी, इहदे विच जो प्रोसैस होएगा वो पूरा करते जाओ, मैं 100-120% पेमेंट तो जी उन्होंने डाकखाने वाले देनी है, पेमेंट दिलाने का साडा कोई नहीं, उन्होंने जो डाकखाने वाले का प्रोसैस होएगा उन्होंने जो कानूनी कार्रवाई करनी होएगी वो करके तो इन्हें दे देंगे। साडा काम है भी इन्हें जे इन्हों का धोखाधड़ी की उन्होंने जो कुछ है असं वो कार्रवाई करेंगे। संगरूर के भवानीगढ़ के नज़दीकी लाचा टोल प्लाजा को संगरूर की महिला विधायक ने शाम 5 बजे तक टोल फ्री करवाया। इससे पहले 5 अप्रैल को टोल प्लाजा कर्मियों को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, क्योंकि भवानीगढ़ में नेशनल हाईवे पर रोड में गहरे गड्ढे होने के चलते एक कार और ट्रक हादसाग्रस्त हो गई थी, जिसको लेकर महिला विधायक ने टोल कर्मियों से कहा था कि वे रोड की मेंटेनेंस का ध्यान नहीं रख रहे, जिसके चलते हादसे हो रहे हैं। ना लाइटें हैं, ना मौके पर एम्बुलेंस पहुंचती है, और ना ही डिवाइडर पर पौधे लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, हादसा होने पर वाहनों को रोड से साइड पर करने में भी टोल प्लाजा वाले कोई सहयोग नहीं कर रहे। इन सभी बातों को लेकर चेतावनी दी गई थी, लेकिन 10 दिन बाद भी जब कोई भी काम पूरा नहीं हुआ तो शाम 5 बजे तक महिला विधायक ने अपने समर्थकों के साथ टोल फ्री कर दिया और टोल कर्मियों के साथ एक मीटिंग कर 20 दिन का समय और दिया, ताकि जो भी कमियां हैं उसे पूरा किया जा सके। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। इसमें हमारा तो कुछ इसमें रोल नहीं है सर, इसमें मेंटेनेंस कंपनी वाले का रोल, हमारा रोल रहता सर तो हम तो जो भी हमारे अंदर काम था 500 मीटर के अंदर में वो तो मैंने काम कर दिया सर।
लाइटिंग का काम था, जो भी हमारा साफ सफाई का काम था, वो सब जो मैंने तो वो सब काम पूरा टोटली कर दिया। बाकी रह गया अभी मेंटेनेंस वाले का प्रॉब्लम है, मेंटेनेंस वाले की वजह से इसने टोल आकर के बंद किया। हमारा इसमें कोई रोल नहीं है सर। आपका क्या रोल है? हमारा रोल है सिर्फ कलेक्शन करने का सर। ये हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, आप कलेक्शन आप करते हो? जी 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 सर। रोड की मेंटेनेंस और किसी ने करता जी, अगर पेमेंट आप लेते हो तो आपसे ही लोग खफा होंगे क्योंकि लोगों ने कलेक्शन आपको दी है जी, जी। नहीं लेकिन सर आपकी ड्यूटी बनती है कि आप मेंटेनेंस वाले को मैंने साथ साथ काम करवाना होता है। मैंने सर उनको तो दो तीन बार लेटर भी दे चुका हूँ, यहाँ से लेकर NHI तक मैंने लेटर दिया। ऐसा तो नहीं है कि मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन उसने कार्रवाई कुछ नहीं कर रहे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? उनका फिर मेंटेनेंस कैंसिल करो सर, उनका एक्शन कौन लेगा? वो तो NHI लेगा सर। बिल्कुल 10 तारीख नु मैं जड़ा इस टोल प्लाजे ते जड़ा मैं आई सी जड़ा नहीं अज आए थे आप पांच नू असी टोल प्लाजे ते आए थे क्योंकि रेगुलर रोड ते जड़ा एक्सीडेंट हो रहे ने, कोई लाइट नहीं चलती, सर्दियों का समा लंघ के गया, कितने कोई पट्टी नहीं सी, कोई भी काम आ जड़ा टोल कंपनी दे वल्लों नहीं किया गया सी। सो मई 2022 दे विच टोल प्लाजा चल पिया सीगा ट्रायल बेस 3 महीने, उस तो बाद जड़ा रेगुलर चलता आ रहा, पर जड़ा मेंटेनेंस का जड़ा टेंडर जनवरी दे विच जाके होया, पर जनवरी तो बाद भी अज जी अप्रैल जरा अद लंघ चुके हैं, पर फिर भी वह जरा मेनटेन नहीं किया गया। सो बार बार असी चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, DC साहब ने बड़े स्ट्रिक्टली चिट्ठी लिखी है, और SDM साहब ने जी रिपोर्ट है जी 2 बार विजिट करके जी रिपोर्ट बना के भेजी है, पर फिर भी जी नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वालों कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई किसी ने कुछ किया नहीं गया। पिछली 5 तरीक में जो मैं इतने आई सी तो इन्हों 15 दिन का जो अल्टीमेटम दिता कि तुम इनू जरा कर दौ, तो अज जरा 10 दिन का दिता सी, 15 तरीक नूं पूरा हो गया सी, 16 का जरा संडे सीगा। सो अज जरा असी इत्थे जरा कट रख्या सी कि लोगों की अगवाई दे विच जरा ये आपा करना। पर मीडिया के दौरान मैं कहना चाहुंदा जी भी जाके देखो, पिंडां दे लोगों नूं पुछ के देखो जी, भी साढ़े मेरा पिंड है जी नाल ही फम्मणवाल, साढ़े ना जी मोड़ दे उत्ते स्कूल आ, मैं खुद ही गल दसदा जी, मैं आपदे बच्चे डरदा मारा स्कूल नहीं भेजदा जी, भी जे बाद चो कोई डर गया कौन जिम्मेवार है जी इस चीज़ नाल? साढ़े पिंड जाके पुछे तो सही जी, कोई पुछे भी हाँ विकास तो की करना जी, साढ़े नाल आ काम हो रहा जी, ठीक नहीं समझते खड़के देखो रोड तो पंजाब में गेहूं का सीजन पीक पर चल रहा है। किसान लगातार खेतों में अपनी गेहूं की फसल को काट कर बेचने के लिए मंडियों में आ रहे हैं। अगर मंडी में गेहूं लाने की जगह ना बची हो तो किसान क्या करेंगे? ऐसे ही हालत बने हुए हैं नाभा की अनाज मंडी में, जो एशिया की दूसरे नंबर पर अनाज मंडी के तौर पर जानी जाती है। इस मंडी में किसान निराश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनकी गेहूं की फसल को रखने के लिए मंडी में खाली जगह ही नहीं है। किसान पिछले कई दिनों से मंडी में भटक रहे हैं। मंडी में लगभग 6 लाख गेहूं के बोरे खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। किसानों का कहना है कि लिफ्टिंग ना होने के कारण उन्हें काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं। अगर मंडी में खाली जगह होगी तो ही वे अपनी गेहूं लेकर आएंगे। वहीं जब इस संबंध में मार्केट कमेटी के सचिव गुरदीप सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि खरीद एजेंसियों को नोटिस निकाला गया है कि वे लिफ्टिंग की समस्या का जल्द से जल्द हल करें। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। थोड़ी जी ना सीजन पहला थोड़ा जा मौसम हूँ खराब करके थोड़ा सीजन लेट चलिया, लेट करके हूँ मतलब मौसम काफ़ी ठीक है, फिर ठीक करके भी वह कणक भी 1 लख तेजी नाल मतलब वो पक गई, तो इस करके वो जल्दी मतलब कटाई होने करके थोड़ी मंडी के लिफ्टिंग थोड़ी दिक्कत है। तो मैंने सारी एजेंसियों संपर्क किया तो उन्होंने मतलब चक्कन संबंधी नोट्स भी जारी करते, तो उन्होंने वालों कहा भी आँदे 2-3 दिन लिफ्टिंग प्रॉपर हो जाएगी। कट्टा इतने अपने को 7% आ गई अपने को, बाकी 4-4.5 लाख के करीब कट्टा है। लहरागागर नगर कौंसिल के चुनावों के दौरान जीते हुए 2 पार्षदों को हारा हुआ घोषित कर दिया गया था, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक वीरेंद्र गोयल ने उस समय रोष प्रदर्शन किया था और माननीय हाई कोर्ट में पटिशन दायर की थी, और माननीय कोर्ट ने जीते हुए पार्षदों को दोबारा विजेता घोषित कर दिया। ये मामला कोर्ट में 27 महीने लगातार चलता रहा और अब लहरागागा में विधायक वीरेंद्र कुमार गोयल की अगुवाई में आप पार्टी की वरिष्ठ नेता कांता गोयल को नगर कौंसिल का प्रधान बना लिया है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। जेड़ा पिछला 27 महीने क्यों नहीं हो सकया,
की हालात बने हो तुसी सारे जानते हो। ब्रीफ च मैं दस दना अजिहा एक कारनामा किया पिछली सरकार ने जेड़ा अज तक किसी ने सुनिया भी नहीं सी। दो बंदे जिते हुए वोटां च जित गए, रिजल्ट डिकलेयर हो गया, वो आगे भंगड़े पाउन लग गए, बधाइयां लैन लग गए, तो 3 बजे जदों गए तो कहिंदे तुसीं हार गए। सो इहा जिहा करिश्मा कदे अज तक होया नहीं सी जिहड़ा पिछली सरकार ने किया। तो मैं समझदा उहदा खमियाजा हुण जिहड़े लोकां नाल एडा वड्डा धक्का हो गया तो वह इंसाफ की गल तो करनगे ना। उन्होंने इंसाफ की उम्मीद दे विच हाई कोर्ट केस पाता, हाई कोर्ट दे विच केस लंबा चलिया। सो मैं समझदा भी जो 27 महीने लंघे आ लोकां नूं उन्हां दे हक्कां तों वांझे किया गया। जिहड़े MC जित्ते हुए थे उन्हां नूं हक्कां तों वांझे किया गया, तो इहदे लई पिछली सरकार पूर्ण तौर ते जिम्मेवार सी। सब तो पहला तो मैं धन्यवाद करती हाँ नगर निवासियों का, तो जिन्होंने सानू MC साहिबान चुनिया, तो सारे MC के सहयोग नाल अज यह जिहड़ा काम है वो निपरे चढ़िया। तो सब तो वड्डी हिम्मत जो साडे MLA साहिब की है, जिन्होंने मानियो हाई कोर्ट के विच केस चल रहा सीगा, दो जिते हुए MC जो हारे करार देता सी इन्होंने पिछली सरकार ने, उहदा फैसला सी जो मानयोग हाई कोर्ट ने उन्होंने न्याय दिता, तो उस तो बाद MLA साहब ने यह सारा काम निपरे चढ़वाया। फिर तो अज की जो स्थिति सी जिहड़े MC असी हाजिर सी तो हैगे सी, बाकी जिहड़े MC ने उन्होंने भी फोन पर भरोसा दवाया कि असी सारे दे सारे तुहाडे नाल आ। जिहड़ी चोण होई है वह बड़े पीसफुली तो बड़े अमन मान नाल तो बड़े वधिया तरीके सलीके नाल होई है, तो एज पर लॉ जो बनता सी सारे जिन्ने जो मैंबर हाजिर सीगे उन्होंने सहुं चुकाई गई है। पहला कोरम सीगा, कोरम पूरा सी बिल्कुल, तो सहुं चुका के उस तो बाद जिहड़ी प्रधान ते वाइस प्रधान की चोण कराई गई। नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के पंजाब चेयरमैन स्वर्ण सिंह विरदी और KVI सोसाइटी के प्रधान विक्रमजीत सिंह के सहयोग से अमृतसर के मुस्तफा बाग के सरकारी अस्पताल में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्वर्ण सिंह विरदी और विक्रमजीत सिंह ने कहा कि इस कैंप में अलग अलग रोगों के माहिर डॉक्टरों ने लोगों के टेस्ट किए और ज़रूरतमंद लोगों को निःशुल्क दवाइयाँ दी। इस दौरान लोगों को अस्पताल में दी जा रही सेवाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। इस मौके पर यूथ क्लब के चेयरमैन पूरन सिंह संधु, जसवंत सिंह बुट्टर, स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनजीत सिंह रटोल, सतनाम सिंह, इंद्र सिंह, हरमिंदर सिंह भी मौजूद रहे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरा नाम पूरन सिंह संधु है जी। असी NGO वालों एक कैंप लगाया वा, मैं यब क्लब जो NGO बनाई उसका चेयरमैन वा, नाल ही सरदार जसवंत सिंह विरदी ने जिहड़े ह्यूमन राइट्स के पंजाब के चेयरमैन ने। सर इत्थे कैंप किहड़ा किहड़ा लगाया गया? इत्थे जी लोगों की चैकअप वास्ते, लोगों नूं दवाइयां देण वास्ते ECG कीती आ, होर जिहड़े वक्रे वक्रे मैडिकल के तौर पर कम किए जाते हैं वह सारे ही किए गए, वक्रे माहर डॉक्टर सदे गए आ जिन्हां ने लोगों नूं चैकअप किया ते दवाइयां दित्ती। हाँ जी सर, मैं डॉक्टर मनजीत सिंह रटौल, इंचार्ज सैटेलाइट हॉस्पिटल मुस्तफाबाद। इत्थे अज ही नैशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने चेयरमैन ने सत्कारयोग सतवंत सिंह जी विरदी, तो KVI वेलफेयर सोसायटी उन्होंने चेयरमैन विक्रमजीत सिंह, इन्होंने रल के उपराला किया कि अपना एक फ्री मैडिकल कैंप जिहड़ा वो लगाया जी। तो उहदे वास्ते फिर यह है कि साढ़े हॉस्पिटल दे विच भी अजकल जिवें अपना ये तो साडा भी नाल, अही इन्होंने साडा भी नाल साथ लिया वा, तो इत्थे पेशेंट्स दे आपां फ्री ऑफ कॉस्ट ECG ते नाल कुछ टेस्ट जिहड़े आ उह करदे पए आ। डॉक्टर साहब भी आए ने, उह कंसल्टेशन कर रहे ने, ते नाल दवाइयां भी जिहड़ियां फ्री ऑफ कॉस्ट जिहड़ियां उह दे रहे।
श्री माता वैष्णो देवी मंदिर रामगली सैदा गेट जालंधर में चल रहे श्री रामायण पाठ का भोग डाला गया। इसी उपलक्ष्य में संकीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें मंदिर की महिला संकीर्तन मंडली ने कीर्तन कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर पार्षद शैरी चड्डा ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उनके साथ पुनीत शर्मा, करण वर्मा, अर्जुन गिल, ऋतिक भाटिया, विशाल भाटिया भी मौजूद रहे। इस अवसर पर रानी शर्मा, रीटा नागपाल, इंदु शर्मा, मीनू भाटिया, सुमन, सुनीता, डोली, वीनू, शोभा, अमन, सुनीता, आशा रानी, कमला रानी, रेणुबाला, दिव्या, गीता, मुन्ना, रेणुबाला, मनु सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। Thank you.
कालिका धाम ज्योतिष विद्यालय में दिव्य ज्ञान दुख निवारण चंडी महायज्ञ किया गया, जिसमें मां महाकाली का दिव्य झूला लगाया गया। इस दौरान दूर दूर से भक्त आकर मां का पूजन एवं हवन यज्ञ में भाग लेकर कष्टों से मुक्ति पा रहे हैं। इस मौके पर धाम के संस्थापक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य इंद्रदेव बबलू पंडित ने बताया कि जो भक्त सच्ची श्रद्धा लेकर यहां आता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। ये यज्ञ मां के आदेश से निशुल्क किया जाता है। इस मौके पर लंगर भी लगाया गया। इस अवसर पर धाम के मुख्य सेवादार संजीव शर्मा, रोहित शर्मा, संजय शर्मा, सुमित बिन्नी, ज्योतिषाचार्य गौरव, देसरा शर्मा, गग्गू साहिल, पंडित संजय, पंडित पंकज, पंडित हरिओम, पंडित सुशील सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। कालिका धाम पृथ्वी नगर दे विच दुख निवारण माँ चंडी यग दा बहुत ही श्रद्धापूर्वक हवन होतियां दूर दूर से भक्तों ने आकर माता रानी का आशीर्वाद लिया, जिसमें हमारे शहर के जो गारमेंट्स का काम करते हैं BMS वाले, उन्होंने आकर यहाँ पर होती डालकर माता चंडी का आशीर्वाद लिया। माता रानी उन पर अपार कृपा करें और मैं सभी शहरवासियों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी इस चंडी यज्ञ में आएं और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। आपको किसी तरह की भी कोई समस्या है, जैसे बच्चों की पढ़ाई की, विदेश जाने की, काम की, और एनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है, जो महा चंडी यज्ञ हर की मनोकामना पूर्ण करती है। आज किशनपुरा पृथ्वी नगर कालका धाम असी आए हैं आचार्य इंद्र देव वशिष्ठ जी दे इत्थे आए हैं। मेरे नाल BMS फैशन तो लक्ष्य जी, प्रथम जी, नाल साढ़े वड्डे भाजी कुकन जी, असी सारयां ने इत्थे महामाई का आशीर्वाद लिया। चंडी जगे दे विच अहूतियां पाईयां, माँ का आशीर्वाद सब तो उच्चा है, माँ का आशीर्वाद सबनों लेना चाहिए। इस संसार च माँ ही एक ऐसी है जिहड़ी सब दे सिर ते हाथ रखदी। जय माता दी। मैं आचार्य इंद्र देव वशिष्ठ कालिका धाम ज्योतिष से। कालिका धाम ज्योतिष जहाँ दुख निवारण चंडी महायज्ञ हर शनिवार को लगभग शाम को 6 बजे प्रारंभ होकर 8 बजे तक चलता है, 2.5 वर्षों से निरंतर माँ भगवती के आशीर्वाद से, महारानी माँ काली की प्रेरणा से ये यज्ञ किया जाता है, जिसमें निःशुल्क ही आए हुए सभी भक्तों का, शहरवासियों का तरह तरह के प्रयोग सब निःशुल्क करवाए जाते हैं। ये महारानी के आशीर्वाद से संभव है। जलंधर, पंजाब, पंजाब से बाहर से भी आकर लोग महारानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माँ चंडी के इस यज्ञ में, वैसे भी शास्त्र भी कहता है यज्ञ पूजन वंदन स्वाध्याय दिनचर्या ये सब कुछ सही रखने से बहुत सारे ग्रह हमेशा बलिष्ठ हैं। तो निष्ठापूर्वक जो भी भक्त महारानी की आराधना करते हैं, माँ चंडी का आशीर्वाद लेते हैं, निश्चय ही उनके सभी कष्ट दूर होते हैं, हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हवन यज्ञ करने से वैसे भी 11 तरह की चीज़ें इंसान को अपने आप ही प्राप्त हो जाती हैं। यज्ञ के पास बैठने से, यज्ञ के पास दर्शन करने से, यज्ञ करने से बिन मांगे ही ये सब चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है।
मां बंगलामुखी धाम नजदीक लम्मा पिंड चौक हुशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में श्री शनिदेव महाराज के निमित्त श्रृंखलाबद्ध हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में किया गया। सर्वप्रथम मुख्य यजमान श्वेता भारद्वाज से वैदिक रीति अनुसार श्री गौरी गणेश, नवग्रह, पंचोपचार, षोडशोपचार, कलश पूजन उपरांत पंडित अविनाश गौतम एवं पंडित पिंटू शर्मा ने आए हुए सभी भक्तों से हवन यज्ञ में आहूतियां डलवाई। श्री शनिदेव महाराज के जाप उपरांत मां बंगलामुखी जी के निमित्त मंत्र माला जाप एवं हवन यज्ञ में भी विशेष रूप से आहुतियां डाली गई। इस मौके पर मां बंगलामुखी धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज ने प्रवचनों से भक्तों का मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर श्री कंठ जज हंसराज राणा, गुलशन शर्मा, गौरव कोहली, मुनीश शर्मा, राजेंद्र कत्याल, बलजिंदर सिंह, अमरदीप सिंह मधुकर सहित बड़ी संख्या में मां भक्त मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ, ਉਹ ਰੁਕਣ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਪਥ ਵੱਲ ਅਗਰਸਰ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 28 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਗਲਾਮੁਖੀ ਜੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਉਤਸਵ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਨਮੋਤਸਵ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਦੁਰਭਾਵ ਦੇਵੀ ਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਹਿਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅਗਰਸਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਆਮੰਤ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਗਣ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵਧਾਓ ਔਰ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੰਗਰ ਭੰਡਾਰੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਝੂਲੇ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਭਾਵ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੱਸੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੀਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਭਾਵ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, अमरनाथ यात्रा 2023 के मद्देनजर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यात्री अपनी यात्रा हेतु बैंकों में पंजीकरण करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी के चलते जालंधर बस्ती अड्डा स्थित जेके बैंक में यात्री अपना पंजीकरण करवाने के लिए पहुंचे। पंजीकरण की प्रक्रिया के चलते पहले दिन से ही यात्रियों का तांता लगा रहा। इस दौरान यात्रियों से पंजीकरण के विषय में पूछने पर उन्होंने बताया कि यात्रा की शुरुआत होने पर जहां उन्हें खुशी हुई है, वहीं इस वर्ष पंजीकरण बनवाने में जो दिक्कतें आ रही हैं उससे उन्हें कहीं ना कहीं निराशा भी हुई है। इस संबंधी जानकारी देते हुए बैंक अधिकारी ने बताया कि श्राइन बोर्ड की तरफ से 2 घंटे का समय मिला है। पंजीकरण वितरण के लिए एक ही काउंटर उपलब्ध है, जिससे लोग काफ़ी नाराज भी हैं और उन्हें कई प्रकार की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। बैंक अधिकारी ने आगे बताया कि श्राइन बोर्ड की तरफ से उन्हें यह आदेश है कि एक दिन में 1 तारीख के 60 ही पंजीकरण कर सकते हैं, जिसमें 30 बालटाल के और 30 पहलगाम के होंगे। आज पहले दिन 67 पंजीकरण ही किए गए हैं। जैसे जैसे लोग रोज़ आते जाएंगे, पंजीकरण की प्रक्रिया तय समय के अंदर जारी रहेगी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। सर जी, ये हिंदू धर्म लिए ना बहुत गलत काम। देखो जे यात्रा हुई है भगवान की यात्रा, जो जत्थे लैके जाते, बसा लैके जाते, उन्होंने कितनी प्रॉब्लम है, वो कितने कल्ला कल्ला बंदा लियाओगे जी? कोई संगठन नहीं बनने देंगे जी, मतलब कि सारे कट्ठे जाने लिए, सारे कट्ठे इन्हों बस वाले कि ले जाओगे कट्ठे बंदे? एक एक बंदा आऊगा, एक एक गड्डी जाऊगा, कोई संगठन नहीं, कोई कार बस नहीं ले जा सकता, फिर मतलब इन्हों चाहिए वा जे कोई बस वाला जो अपने ट्रैवल वाला 5-7 लिया अपने फैमिली ले जाता वा
इन्हों करने चाहिए आ एक एक इन्होंने कर दिता सारा गलत तरीका कर दिता जिदा एक काउंटर लगा है हाँ जी लोग खड़े देखो ये भी गल आ जे ज़्यादा ही इन्हों लगता काउंटर इन्हों दो चार लाने चाहिए एक काउंटर से एक सवेर तो नहीं शुरू करते तीन बजे तो शुरू करते पाँच बजे तक करना जी देखो जी जब इन्हों पता साढ़े शहर चो जलंधर शहर चो काफ़ी बसा जा हर डेट अलग आ पर इन्हों डेट के हिसाब न हर एक बंद कुल थोड़े जे तो फार्म देने चाहिए है ना अंगूठा लगा के कर दिता पर बंदा आवे फिर ही करावे हूँ मान लो ये ग्रुप जाता मान लो पंजाह बंदे हाँ जी वो नहीं जा सकता पंजाह बंदे का ग्रुप नहीं जा सकता हाँ जी देखो जी बस जाती है उन्होंने एक डेट होनी चाहिए है वो एक डेट कि ले लोगे डेट है ही नहीं उत्तर दर्शन डेट तो उन्होंने नहीं जान देना आज हमने रजिस्ट्रेशन साथ की है तो आपने देखा होगा हमने बड़ी सक्सेसफुली अभी तक 70 लोगों की रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और आज मुझे लगता है कि जिस हिसाब से शाम के वक्त तक हम कोई 150 रजिस्ट्रेशन आज कर देंगे हमारे पास काफ़ी बड़ा कोटा है बट मैं यहाँ के लोगों से अपील करूँगा कि वो थोड़ा सा अपनी लाइनें बनाए रखें थोड़ा सा धैर्य रखें सबको रजिस्ट्रेशन होगा सबका टाइम पे होगा जेके बैंक में सहूलियत पूरी है हमने सबके लिए बंदोबस्त करके रखा है हमने चेयर्स का बंदोबस्त करके रखा है पानी है बस थोड़ा सा लोगों से अपील करते हैं कि थोड़ा सा प्लीज़ काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है थोड़ा सा धैर्य रखें सबको नंबर आएगा जैसे कि यात्रियों से हमें दरख्त हुआ है कि उन्होंने बोला कि काउंटर एक की बजाय ज़्यादा काउंटर होने चाहिए इसमें आप क्या कहना चाहिए ये श्राइन बोर्ड की हमारे पास इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आता है एक सर्वर है एक सर्वर पर आप अगर हम 10-10 टर्मिनल लगा के रखेंगे तो सर्वर डाउन हो जाएगा तो ये एक श्राइन बोर्ड की इंस्ट्रक्शन है हर ब्रांच को एक ही कोटा है वो उनके मुताबिक ही दिया गया है एक ही सर्वर है तो उसी पे ही ब्रांच चल रहा है तो ये 2 घंटे में कितने कर सकते हैं आप और कितने हो जाएंगे सर ये डिपेंड करता है टोटली हमारे उस पे सिस्टम पे जितना उसकी स्पीड आ रही है उसी के मुताबिक चलेगा बहुत बहुत दिक्कतें हैं ऑनलाइन में ट्रांसफॉर्मेशन होने के कारण कभी किसी का बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा है कभी किसी के आधार में पूरी अपडेशन नहीं है तो उसके इसी वजह से थोड़ी थोड़ी दिक्कतें लोगों को आ रही हैं किसी का नंबर फीड नहीं है तो वो आगे नहीं जाने दे रहा सिस्टम और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से जालंधर लोकसभा उपचुनाव का नामांकन भरने से पहले सुशील रिंकू ने निकाला रोड शो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ भरा नामांकन जंडियारा गुरु में भाजपा एससी मोर्चा के प्रधान को अज्ञात व्यक्ति ने मारी गोली हालत खतरे से बाहर इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल